कोरोना के बढ़ते कहर से पुलिस जवानों को बचाने और आने वाले दिनों में दशहरा के कारण पुलिस के सामने कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए जबलपुर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में पुलिस की तैयारियों और शहर की कानून व्यवस्था की समीक्षा करने एक बैठक का आयोजन किया गया। जबलपुर रेंज के आईजी भगत सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों के अलावा जिले के तमाम थाना प्रभारी मौजूद रहे। दरअसल जबलपुर में अब तक पुलिस विभाग के कुल 85 अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें आईपीएस और सीएसपी रैंक के अधिकारी सहित थाना प्रभारी और कई कर्मचारी शामिल हैं। आंकड़ों को देखते हुए आईजी ने पुलिस कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ड्यूटी करने के निर्देश दिए ताकि संक्रमण की चपेट से बच सकें। इसके अलावा शहर में अपराधों के बढ़ते आंकड़ों पर हैरानी जताते हुए अपराधियों की धरपकड़ तेज करने के लिए कहा है। समीक्षा, पेंडिंग अपराधों का निकाल और वर्तमान कानून व्यवस्था, आगे आने वाली कानून व्यवस्था की जो समस्याएं हैं उन सबको लेकर चर्चा हुई। प्रत्येक प्रकरण में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रकरण, महिला अपराध संबंधी अपराधों पर चर्चा हुई और जो गुम इंसान हैं, गुम इंसान बालिकाएं हैं, 18 साल से कम उम्र के जो बालक बालिकाएं हैं उन सबके प्रकरणों में विस्तृत चर्चाएं हुई हैं। ब्लाइंड मर्डर, ब्लाइंड लूट, इन पे प्रकरणवार चर्चा करके इसमें टीमें बना के इनका शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। अपराधों के क्रमांक जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो उनको रोकथाम के लिए आपके किस प्रकार से निर्देश दिए गए? आंकड़ों की जहाँ तक बात करें तो अपराधों की, आपका यह आरोप गलत है, अपराधों की संख्या कम हुई है और जो हमारे ब्लाइंड केसेस हैं वो भी करीब करीब टेस्ट किए गए हैं। कोविड को लेकर के भी कुछ सुरक्षा, उसके लिए हम लोगों ने, ये है कि एहतियात के तौर पे जो हमारे पुलिस कर्मियों में बढ़ रहा है संक्रमण, क्योंकि आरोपी की धरपकड़ में आरोपियों के थ्रू ये संक्रमण हमारे पुलिस विभाग में आ रहा है, तो उसमें हमारे जो पुलिस मुख्यालय द्वारा जो नॉर्म्स बताए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे थाने में या पुलिस लाइन में हमारे कर्मियों के बीच में कम से कम संक्रमण हो। पोस्टर न्यूज के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।